हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन से। तो फ्रैक्शन चैप्टर इंट्रोडक्शन आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो के आप एक्सरसाइज 5.1 के बारे डिस्कस करेंगे। बुक का नेम मैथ्स मेट जो अकाल अकैडमी में लगी हुई है। तो देखो जो पहला पार्ट है, राइट द फ्रैक्शन रीप्रजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। अपन फ्रैक्शन के लिखना है, अपन कुछ पोर्शन लिखा, कुछ शेडेड है कुछ अनशेडेड है। तो देखो जो फस्ट पार्ट है, पहला आप देखा कुल पार्ट किन्ने, कुल मतलब किन्ने बने हिस्से, टोटल पार्ट के पार्ट किन्ने अपने को, टोटल पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कितना आ गया अपने को, 6। उस तो बाद शेडेड किन्ने आ गए, शेडेड किन्ने 1 and 2, शेडेड पोर्शन अपने को 2। तो फ्रैक्शन की बन गया अपने को, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/6। ओके, अपन सिंपल फॉर्म च नहीं लिखना, आप सिंपल इस तरह लिख देना 2/6 अपने को आंसर आ गया। सिंपल फॉर्म का मतलब इन कट करके लिखना। ओके, जिवें 2 के टेबल 6 आता तो 1/3 भी लिख सकते हैं, नहीं पर आप सिंपल लिख देना 2/6 के। पहले आप पार्ट काउंट करा टोटल किन्न, कुल डब्बे किन्ने, देसी भाषा में कुल डब्बे किन्ने बन रहे, डब्बे टोटल 6 ने, रंग किए हुए किन्ने ने 2, तो फ्रैक्शन की बन गया 2/6। अगला क्वेश्चन है अपने को, पहला लिखा टोटल पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल पार्ट किन्ने अपने को 8, शेडेड किन्ने, शेडेड 1, 2 and 3 शेडेड आ गया अपने को 3। तो देखो अपना फ्रैक्शन की बनया, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो किन्ना 3/8। ओके, 3/8 की आ गया अपने को आंसर। उस तो बाद लास्ट सी पार्ट, सॉरी पहला देखा गया पर टोटल पार्ट किन्ने, टोटल पार्ट 1, 2, 3 and 4 टोटल पार्ट्स अपने को 4, शेडेड किन्ने आ, शेडेड अपने को ओनली 1, तो फ्रैक्शन की बन गया मेरे को, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट शेड देखने हैं, उस तो बाद शेड डिवाइड बाय टोटल, शेड किन्ने 1, टोटल किन्ने 4। लास्ट क्वेश्चन किन्ने अपने को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 देखो पहले अपने को टोटल पार्ट्स कितने हैं 11, शेडेड कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6 6 है। उस तो फ्रैक्शन की बन गया मेरे को, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 6/11 जिंदे विच न्यूमरेटर कितना 6, डिनोमिनेटर कितना अपने को 11। ए सी अपने को पार्ट नंबर फर्स्ट। ओके, उस तो बाद सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के कह रहे हैं अपन, सेकेंड पार्ट भी सेम है, इस बार अपन फिगर गिवन है, शेयर द फिगर एज इंस्ट्रक्टेड। सेकेंड पार्ट है शेयर द फिगर एज इंस्ट्रक्टेड, अपने को एक डायग्राम गिवन है, एक हेक्सागन है, 6 साइड है, आप पहले बनावांगे। उन्होंने की क्या 5/6। ओके, देखो टोटल पार्ट किन्ने अपने को 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 शेड किन्ने करने हैं 5, तो 5 में शेड कर दो, पहले ने शेड किया, सेकंड ने शेड, थर्ड ने शेड किया, फोर्थ ने शेड किया, फिफ्थ ने किया, सिक्स ने आपा किया एम्प्टी छड्डांगे। क्वेश्चन की गिवन सी अपन, सिंपल एक डायग्राम गिवन सी जिंदे विच फ्रैक्शन की गिवन सी 5/6, आपा शेड करने से किन्ने पार्ट 5, टोटल किन्ने अपने को 6। ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ 7/9, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 टोटल 9 बन गए, 9 चो किन्ने शेड करने हैं 7, पहला सेकंड थर्ड करता, फोर्थ किया, फिफ्थ करता, सिक्स करता, ते सेवन करता, सेवन आप शेड करते, बाकी किन्ने बचे अपने को 2। आप इतने लिखा टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स पहले बच किन्ने सी 6, शेडेड किन्ने सी, शेडेड इज इक्वल टू 5। इतने आप देखिए टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स किन्ने अपने को 9,
एंड शेडेड किन्ने हैं, शेडेड इज इक्वल टू 7। ओके ये सी अपने को पार्ट नंबर सेकंड। हम पार्ट नंबर थर्ड के बारे डिस्कस करते हैं। थर्ड विच की कह रहे हैं अपने को, राइट द फ्रैक्शन एज फॉलोइंग। ए पार्ट है मेरे को, पहला मैं सारे लिखे 2/5। बी पार्ट है मेरे को 3/8, 3/8, उस तो बाद है 5/7। सी पार्ट है 5/7। देखो 2/5 का मतलब 2/5। ओके 2/5 का मतलब है 2/5। टोटल पार्ट 5 का अपन कितने गिवन है 2। ओके जो पहला लिखा है ऊपर लिखेंगे, जो बाद में लिखा है अपन थल्ले लिखेंगे। नेक्स्ट आ गया 3/8, 3/8 कितना आ गया 8, दैट इज 3/8। सी पार्ट 5/7, ऊपर 5 आ गया थल्ले कितना आ गया 7। सो ये अपने को की आ गई फ्रैक्शन आ गई। ओके थर्ड पार्ट ना अपन फ्रैक्शन में लिखना सी, फ्रैक्शन कितना आ गया, पहले विच 2/5, सेकंड विच 3/8, ते लास्ट विच कितना आ गया 5/7। ए सी अपने को पार्ट नंबर थर्ड। ओके नेक्स्ट वीडियो दे विच अपन क्वेश्चन नंबर 4, 5th ते उस तो अगे वाले डिस्कस करेंगे।